आज मैं आपको EME सॉल्वर के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिमुलेशन में जाएंगे, EME सॉल्वर लेना। इससे पहले मैंने आपको बताया था वेरिएशनल एफडीटीडी सॉल्वर, जो कि मैंने कहा था डिवाइस में काम आता है, जो भी डिवाइस आप डिजाइन करना चाहते हैं ये सॉल्वर भी डिवाइस डिजाइनिंग में काम आता है। इसमें इनबिल्ट पोर्ट्स लगे होते हैं, तो पहले मैं सिमुलेशन फिट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इन पोर्ट्स का क्या काम है। तो देखिए, एक वेबसाइट बनाया है SiO2 के ऊपर सिलिकन का। ये देखिए, राइट क्लिक के एडिट पे देखते हैं क्या है। फाइनाइट डिफरेंस सॉल्वर है, टेम्परेचर 3D एक्सप्रोपगेशन, लेकिन मेरा 3D एक्सप्रोपगेशन नहीं है, मेरा XY एक्सप्रोपगेशन है। कैसे XY एक्सप्रोपगेशन है? ये XY व्यू है, मैं चाहता हूँ X डायरेक्शन में प्रोपगेट करे, इसलिए ठीक है। ये हमें सेटअप किया आपने, ठीक है। ट्रांसवर्स बाउंड्री कंडीशन आप मेटल ले रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आप क्या रखते हैं इसमें, ठीक है। तो मटेरियल हो गया, सारा कुछ हो गया है। आप यहाँ सॉल्वर प्रेस करेंगे, पोर्ट सील ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। देखिए, ये इनवेट है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद सेल वन, ये आपको बस ये जानकारी दे रहा है कि ये किस लोकेशन पे है ज्योमेट्री का, बस। ये देखिए, यहाँ भी आप कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों पोर्ट्स हैं, ये और ये, ठीक है। देखिए, है ना, हाईलाइट हो गया। तो पोर्ट वन देखते हैं क्या होता है। पोर्ट वन लेफ्ट में, अगर आप इसको चाहते हैं राइट में चला जाए तो ये राइट में चला जाएगा। EME सॉल्वर फंडामेंटल मोड आप लेना चाहें या जो भी मोड आप लेना चाहें। यूजर सेलेक्ट यूजर इम्पोर्ट, देखिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन है यूजर इम्पोर्ट, यानी कि आपने कोई अगर पल्स बनाया है तो आप यहाँ से इम्पोर्ट उठा सकते हैं, ठीक है, प्रोपोगेट कराने के लिए। आप चाहे तो TTM बोथ प्रोपोगेट करा सकते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। थीटा आप चेंज कर सकते हैं, फाई चेंज कर सकते हैं उसका, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है राइट, आप चाहे तो ये राइट में है, आप चाहे तो इसे लेफ्ट में कर दीजिए, है ना। EME पोर्ट का मैंने आपको बताया लास्ट टाइम। आप जैसे टी अगर आपने सिलेक्ट किया तो इसका विजुअलाइज डेटा देखिए, सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप मैंने फंडामेंटल मोड लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं इसे रन करता हूँ, रिजल्ट भी यही मिलेगा, इसमें फैसिलिटी होती है। आप इसे चाहे तो खुद से डिजाइन करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसे रन होने में ज्यादा वक्त लग रहा है, तो मैं इसे अभी छोड़ देता हूँ। आप इसे रन करके देखिए, और आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप नीचे लिख सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तब के लिए थैंक यू।